मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में झुलझुल का आरोप लगाने वाली छात्रा के परिजन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी बच्ची की जो रैंक थी वो अचानक से पहले शुरुआत में 68वीं रैंक थी और उसके बाद लाखों में उनकी बच्ची की रैंक पहुंच गई। क्या कुछ कहना है इसको लेकर? हमारे साथ बच्ची के पिता अमरीश त्यागी जी मौजूद है। त्यागी जी, क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? ये था कि हमने स्टार्टिंग में इनके 4 तारीख में रिजल्ट आउट हुआ, 4 तारीख से और कल 6 तारीख तक शाम तक सेम यही इसकी 68 रैंक थी ऑल ओवर इंडिया नीट के उसमें। और फिर करीब शाम को 9 बजे छोटे भाई का फोन आया कि ये पेपर जो इसका जो रिजल्ट है वो चेंज हो गया, इसमें ऑटोमेटिकली बदल दिया एक तरह से। कहने का मतलब ये है और ये बदला गया किस तरह से किस बिहार पर कुछ नहीं पता भी हमें इसके। और इसके नंबर जो ये नंबर अब जो सेकंड में जो इसकी 18 लाख समथिंग रैंक है और 75 इसके नंबर है, और 75 जो इसने कैलकुलेशन जो करा है वो तो किसी हिसाब से बैठते नहीं, जो आंसर शीट जो इन्होंने दिए उस हिसाब से तो 75 तो आने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसमें जरा पूरा का पूरा ये जो है एक तरह का षड्यंत्र है और इसमें झोल झाल पूरी पूरी तरह से इसमें झोल है इसके रिजल्ट के अंदर। अच्छा, क्या कारण मानते हैं? कारण क्या हो सकता है? ये तो इनकी लापरवाही है नीट की, जो इनकी एग्जाम करा रहे हैं, इतना बड़ा एग्जाम करा रहे हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, इनकी लापरवाही है कि अंदर खाने क्या है, क्या सिस्टम है, इनके सिस्टम में क्या चीज है, क्या है क्या नहीं है, कि किस बच्चे को किस तरह से ये पास करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और उसके ये तो यही अंदर खाने यही बता पाए। जैसे ऑल ओवर इंडिया में पहले आपने रिजल्ट देखा, ऑल ओवर इंडिया में 68वीं रैंक थी, वो रैंक देखने के बाद क्या रिएक्शन था आप लोगों का? तो खुश थे। फिर हमें ये था कि हमने कुछ ज़्यादा इस बारे में किसी से ज़्यादा डिस्प्ले इस वजह से नहीं करा क्योंकि तभी के रिजल्ट के टाइम से ही न्यूज़ में आ रहा था कि उसमें केस वेस का कुछ डालने के इस तरह की खबर आ रही थी, तो हमने ज़्यादा इसे जो है ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करी। और हम अंदर बहुत खुश थे, परिवार में खुशी पूरी पूरी खुशी थी परिवार में। यह था कि जैसे ही ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, जब काउंसलिंग की डेट आ जाएगी तब हम मतलब अच्छे से मतलब इसे सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, तो संपर्क करने की आपने कोशिश की या जानकारी करने की कोशिश की? कल रात हुआ है, सुबह फिर हमने जो है मेल किया इनके उसमें, तो अभी तक मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया, फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन का भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, और बाकी जो नेट से ही पता चल रहा है कि उस काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। अभी हमें वो बाकी NTA की तरफ से तो कोई इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं अभी हमारे पास, बस जो है अभी यही है बस कि पहले 6 तारीख तक हमारे पास में 68 रैंक थी और कल रात में अचानक ये रैंक चेंज कर दी। अच्छा, आने वाले दिनों में भी कोई जवाब नहीं आता है तो आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी इसको लेकर? अभी इस बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी सलाह ले रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, देखो आगे भी कल संडे या परसों पर पता चलेगा जैसा जो भी। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग क्या अभी हमारे जो है बच्चे का रिजल्ट जो सही हो, जो बिल्कुल सही हो वो करा जाए। 68 रैंक है, 68 रैंक हमारी वो उसका मतलब हमें दी जाए बच्चे को उसकी मेहनत के अनुसार। छात्रा ने कितना परिश्रम किया, क्या कुछ मेहनत थी और अब वो काफी इमोशनल है, इसको लेकर क्या कहना है? भाई एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे का आप ये तो एक तरह से ये बच्चे के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि भाई बच्चा एक तरफ तो बड़ा खुश हुआ और अगले ही पल उसे अगले दिन ही उसे मिले कि तुम फेल हो, तो उसे वो क्या करेगा? इसमें तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। ये तो इनकी सबसे बड़ी वो है फेलियर है इस एग्जाम का, बस और क्या कहें इसमें। तो जैसा कि आपने देखा, ये छात्रा के पिता थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस परीक्षा को लेकर छात्रा ने काफी मेहनत की थी और काफी खुश थी वह रिजल्ट देखकर, लेकिन जैसे ही अगले पल उसने बदला हुआ रिजल्ट देखा, यानी कि दूसरी बार उसने रैंक देखी, तो तब से वह काफी इमोशनल दिखाई दे रही है। हापुड़ से कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल। हापुड़ में रहने वाली एक छात्रा ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में झुलझाल का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि रिजल्ट जब आया तो उन्होंने पहले अपना रिजल्ट चेक किया, रिजल्ट चेक करने के दौरान पहली बार जब उन्होंने चेक किया तो उनकी रैंक ऑल इंडिया में 68वीं रैंक थी, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने जब चेक किया तो 18,76,093 रैंक
उन्हें निकलकर सामने आई। छात्रा का क्या कुछ कहना है बात करने के लिए? छात्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्वशी है। और उर्वशी जी, क्या मामला है पूरा? मेरा ऐसा, जब मैंने पूरा चेक करा तो जो मेरी नंबर थे वो 719 थे और जो मेरी रैंक थी वो 68 थी जी। फिर मैंने कुछ टाइम बाद चेक करा तो वो बिल्कुल ही वॉमिट हो गया था और जो मेरी रैंक आई वो लाख्स में थी और जो मेरे नंबर थे वो सिर्फ 75 ही रह गए। और जब मैंने एनटीए वालों को कॉल किया तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं और कॉल उठाने पर ये बोल दिया कि आप अपनी जो जो भी क्वेश्चन है वो आप ईमेल कर दीजिए। और ईमेल जब करा तो अब तक उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया है। अच्छा, और हम कोशिश कर रहे हैं, ना रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना कॉल उठा रहे हैं, और हम जितनी भी बार चेक कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो 75 नंबर ही आ रहे हैं। और पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले तो नंबर अच्छे थे और अचानक ही एकदम सब बदल दिया इन लोगों ने। अच्छा, जैसे शुरू में आपने चेक किया 68वीं रैंक थी, 68वीं रैंक देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? जब मैंने ऐसा देखा कि मैं बहुत खुश हो गई थी और मैंने तुरंत ही ऐसा निकाल के सबको भेजा भी, मैंने सबको दिखाया, सब खुश थे घर में। और जैसे ही रैंक बदली वो मुझे पता है मुझे कितना बुरा लगा था। और हाँ, ऐसा। अच्छा, ये बताइए कि परिवार वालों का क्या रिएक्शन था जब 68वीं रैंक आपने बताया? वो बहुत खुश थे। और मेडिकल कॉलेज में ऐसा वो होना का वो था तो वो तो रही गया क्योंकि इन लोगों ने बदल दिया, तो इस वजह से उस चीज का बहुत बुरा लगा। अच्छा, तैयारी को लेकर क्या तैयारी थी आपकी इस एग्जाम को लेकर पहले शुरू से? शुरुआत से लेकर एंड तक तो पूरी मेहनत करी थी मैंने दिन रात, और एकदम इन लोगों ने बदल के वो तो सारा खराब कर दिया। और कुछ भी कर रहे हैं तो वो तो जवाब दे नहीं रहे। और बस क्या बोलूं मैं इस चीज को लेकर। अच्छा, अब जो है परिवार वालों का क्या कहना है आपको? उन्होंने तो पूरी कोशिश करी है कि वो कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके बात करके एनटीए वालों से एक बार पूछे कि अगर ये गलत है तो क्यों गलत है, अगर वो वाली गलत थी तो वो वाली गलत क्यों थी, ऐसा क्या करा। और ये नहीं कि हमने फीस पे नहीं करी थी एंट्रेंस एग्जाम की, हमने सब करा था, पेपर दिया, सब चीज हुई। और जिन लोगों की रैंक इतनी आई है, पहले कितने बच्चे थे फिर उनकी हटा दी गई, सबके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि क्या चूक मान रही है इसमें, कारण क्या मान रही है? कारण तो मुझे खुद नहीं पता क्या करा क्या नहीं करा। इन लोगों की गलती छुपाने के लिए कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ग्रेस नंबर कहाँ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? कुछ को तो 103 नंबर ग्रेस के दे रहे हैं और कुछ को दे भी नहीं रहे हैं। उन्हें कैसे पता? कोई कैलकुलेशन मेथड उन्होंने शो नहीं करा है, कहाँ से कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और अगर कैलकुलेशन इन लोगों ने जो करके टाइमिंग कैसे बता सके कि किस बच्चे ने कितनी जल्दी खत्म कर लिया, कितना लेट कर दिया, कोई उनका वो नहीं है कि क्लैरिफिकेशन दे रहे हो कि कैसे करा कैसे नहीं करा। जब जवाब मांग रहे हैं तो बहुत ही वाहियात जवाब दे रहे हैं कि हमारा पेपर इतने से इतने बजे हुआ था और इस दिन हुआ था, बस ये करके। ये बात किसने बोली आपसे? ये एनटीए वालों ने अभी अपना नोटिस निकाला था। अच्छा, नोटिस निकाला है। हाँ। अच्छा, ये जैसे आपकी पहली रैंक और दूसरी रैंक के बीच जो अंतर माननी है, कोई तकनीकी चूक माननी है या फिर खुद जानबूझकर क्या कुछ कहना है? अगर तकनीकी चूक होती तो बार बार चेक करने पे ऐसे थोड़ी होता। और यह जानबूझ के करा है, पता नहीं कैसे करा है क्या नहीं करा है, इतने बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी का फ्यूचर खराब कर सकते हैं। तो उस पे या तो ये क्लैरिफिकेशन दे या कुछ भी करे, पर बोलना चाहिए। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि मेरे नंबर जो पहले थे वो वापस करे जाए। और अगर ये करे हैं, ये नंबर है तो कैसे नंबर है, क्योंकि जब मैंने चेक करा था तब तो बहुत नंबर बैठ रहे थे, ये तो नंबर आ ही भी नहीं सकते मेरे। तो जैसा कि आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने इस परीक्षा के लिए काफी परीक्षण किया था, उसके बावजूद जैसे ही इन्होंने अपनी रैंक देखी, शुरुआत में रैंक देखने के बाद इनके घर में खुशी का माहौल था, लेकिन जैसे ही रैंक चेंज हुई, दूसरी बार इन्होंने रिजल्ट निकाला तो इनके सपने और अरमान अधूरे रह गए। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। हापुड़ से कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल।